वन विभाग द्वारा धर्मशाला सर्कल में इंडस रिवर बेसिन मैनेजमेंट द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन विभाग के सर्कल धर्मशाला के कंजर्वेटर डीआर कौशल व वन्य प्राणी विभाग के कंजर्वेटर प्रदीप ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और शिक्षा संस्थानों के प्रवक्ताओं ने भाग लिया। वन विभाग द्वारा धर्मशाला सर्कल में इंडस रिवर बेसिन मैनेजमेंट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन विभाग सर्कल धर्मशाला के कंजर्वेटर डीआर कौशल एवं वन्य प्रमाणी विभाग के कंजर्वेटर प्रदीप ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कंजर्वेटर वन विभाग डीआर कौशल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से वर्ष 2016 में एक डीपीआर तैयार की गई थी, जिसे एफआरआई देहरादून ने तैयार किया था। कंजर्वेटर ने कहा कि नमामि गंगा परियोजना की सफलता सामने आई तो ICFRI ने 13 नदियों का चयन किया है। उन 13 नदियों में से 9 रिवर बेसिन है। उनमें से 5 नदियों का काम SFRI शिमला को DPR बनाने के लिए कर दिया गया है। इसी चर्चा के मद्देनजर धर्मशाला में वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि DPR के लिए डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिसके लिए वर्कशॉप में भी सभी NGO और विभागों को बुलाया गया था। रिवर बेसिन को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से किस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, इसको तय किया जा रहा है। इसके तहत पूरे कैचमेंट का ट्रीटमेंट होगा और जिस भी विभाग के जो कार्य होंगे उसकी DPR तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज हमारे यहाँ धर्मशाला सर्कल में एक वर्कशॉप हो रही है, जो कि इंडस रिवर बेसिन मैनेजमेंट के ऊपर हो रही है। मैं इसमें बताना चाहूँ कि भारत सरकार के द्वारा एक DPR तैयार की गई थी 2016 में, जिसे FRI देहरादून ने तैयार किया था और ISFRI जो एक रिसर्च काउंसिल है हमारी, उन्होंने FRI देहरादून को काम दिया था कि गंगा की सफाई के लिए एक योजना बनाई जाए। तो एक नमामि गंगा एक परियोजना जो लॉन्च की गई थी और उसके तहत वो DPR बनाई थी। उस DPR को बड़ा सराहा गया था और उसके तहत आजकल काम भी चल रहा है। उसी का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने हमारा जो HFRI जो शिमला में इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको जो है एक DPR बनाने को कहा हुआ है ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर। तो ISFRI ने जब नमामि गंगा की सक्सेसफुल स्टोरी आई तो ICFRI ने जो 13 नदियों का जो है चयन किया, उन 13 नदियों में से जो है वो 9 रिवर बेसिन है और उस पे से 5 नदियों का काम जो है HFRI देहरादून शिमला को DPR बनाने के लिए दिया गया। तो फिलहाल जो HFRI जो हमारी शिमला वेस्ट है, इन्होंने ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है। तो जो ब्यास रिवर है ये हमारे यहाँ से रोहतांग पास से ब्यास कुंड से निकलती है और इसका 470 किलोमीटर एरिया जो है वो रिवर कोर्स है, जो कि यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो वैसे भी देखा जाए जो हमारी इंडस रिवर है उसका जो 14% जो ड्रेनेज एरिया है, लेंथ है कंट्री की, वो हमारे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से होती हुई निकलती है। तो तय किया गया कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ब्यास रिवर बेसिन है इसको मैनेज किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा पानी जो साफ सुथरा होना चाहिए, पानी का फ्लो बढ़ना चाहिए, 12 महीने नदियों में पानी होना चाहिए और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेन स्टेक होल्डर है और हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ITH है, इन सभी डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करके एक ज्वाइंट DPR बनाई जाएगी। तो उसके संबंध में जो कंसल्टेटिव मीटिंग्स हमारी यहाँ पे पीछे हमारे शिमला में हुई थी, जिसमें माननीय वन मंत्री महोदय अध्यक्षता उन्होंने करी थी, उसको फॉलोअप करते अब जिलावार जो है ये टीम HFRI की आ रही है और उस DPR को बनाने की तैयारियों के लिए एक डिस्कशन शुरू किया है। तो उस डिस्कशन का ही आज एक वर्कशॉप है। तो ये डाटा इकट्ठा करेंगे, सभी NGO से सभी डिपार्टमेंट्स को आज बुलाया है, उनके सुझाव लेंगे और किस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा रिवर बेसिन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो रिवर है उसका पूरा कैचमेंट का ट्रीटमेंट होगा, तो उस पे जितने भी काम जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न होंगे उसकी DPR तैयार करने के लिए आज ये वर्कशॉप है।